मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय चैनल। और अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 10, तो मैं अभी का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है, ऑफिस मेरे ऑफिस में है तो उनके लिए मैंने खाना बना दिया है, तो खाने वाला नहीं बच्चों के लिए, मेरे लिए मैक्रोनी। तो बच्चे बोलते हैं मम्मा पास्ता बना दी, तो मेरे पास मैक्रोनी रखी है अभी, तो मैं मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल सी, अभी मेरे पास सॉसेस वगैरह नहीं है, पिज्ज़ा सॉस भी नहीं है, पास्ता सॉस भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी सिर्फ सिंपल बनाने वाली हूँ, इनको ज़्यादा कुछ डाल के नहीं बनाने वाली हूँ। लेकर मैं इसको बना लेती हूँ। तो अभी देखो, चलो हाय करो, हाय करो मम्मा, आप हाय करो। अभी देखो टैब चला के बैठे हैं अभी, और हंस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे सिर्फ एसी में बैठे हैं, बस बाहर निकलने का काम नहीं है इनको। और अभी अब मेरे को तो यार काम करना पड़ेगा, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। और इस टाइम पे अभी क्या बज रहे हैं, अभी 11:30 बज रहे हैं अभी, तो अभी थोड़ा नहा के थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ा पसीना सुखाऊंगी, इसी के सामने बैठ जाऊंगी तो पसीना वगैरह सूख जाएगा, बस फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। जब क्योंकि अभी क्या है, किचन में जाने से गर्मी लगी बहुत भयंकर। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, अभी जो मैंने ड्रेसेस लिए, मैंने तो पहन ही नहीं है, मतलब बहुत मन कर रहा था कि ठीक है यार किसी फंक्शन पे पहनूंगी, या फिर कहीं बाहर जाएंगे तो पहनेंगे, या कभी डिनर करने जाएंगे तब। तो ऐसा कभी हुआ क्या, मतलब लॉकडाउन के चक्कर में तो बिल्कुल सबका बंद हो गया निकलना। तो अभी ड्रेसेस पैक करके रख रखी है, उनको पहनी नहीं है। हाँ, एक मैंने शूट में ज़रूर पहनी थी, एक स्काई कलर भी नहीं है, वो थोड़ा स्काई और ग्रीनिश का बीच का कलर है, तो वो ड्रेस मैं आपको बताने वाली हूँ। दिखाती हूँ मैं ये वाली ड्रेस जो मैंने उसमें पहनी थी, ये वाली ड्रेस मैंने लेके एक बार भी नहीं पहनी इसको। एक ये है जो इसमें कॉलर है इसमें, और दूसरा ये है डब्लू का। तो ये कलर भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं जयपुर से टॉप लेके आई थी, तो मैंने पहना नहीं अभी, बस एक बार मैंने इसको घर में पहना था थोड़ी सी देर के लिए। तो अब टॉप है ये, तो ये शॉर्ट है बिल्कुल, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और कलर सेम है बट थोड़ा सा कलर अलग है, हल्का सा ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा लाइट शेड होगा। और ये है पेपलम टॉप जैसा है, तो मैं इसको ले 6-7 महीने हो गए अभी तक नहीं पहना मैंने इसको, मैं इसको पहनूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ किस पे पहनूँ, तो अभी जींस है मेरे पास ब्लैक कलर की, मैंने लिया, बट ब्लैक कलर पे नहीं पहनूंगी मैं इसको, जो मैंने पहन रखी अभी उस जींस पे पहनूंगी। और उसके अलावा मैंने जयपुर से और भी कुछ लिया है, वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये दोनों तो मैंने शीन से मंगाया है, तो एक और शीन से मंगाया था जो मैंने
और उसके अलावा मैं जयपुर सिटी वाला लेके आई थी, तो एज ए क्रॉप टॉप है, एज ए ब्लाउज है, एज लहंगे के साथ आप उसको पेयर कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है सिल्क फैंस का बिल्कुल। और उसके अलावा ये वाला है, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो बिल्कुल पार्टी लुक आता है इससे, तो ये वाला भी है देख सकते हो, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और उसके अलावा एक सूट दिखाती हूँ, पूरा सूट है वह बहुत प्यारा है, ये तो टॉप है, एक कुर्ती है, वैसे साड़ी पे पहन सकते हो, उसको लहंगे में भी पहन सकते हो और किसी भी पहन सकते हो, स्कर्ट पे पहन सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है सिल्क पैंट्स टाइप का है। ये मैंने लिया था बिग बाजार से, और ये वाली ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है, और इसका दुपट्टा है ये, तो ये देख सकते हो वाला, तो मैंने अभी पहना नहीं है इसको, मैं आपको दिखा देती हूँ बस ऐसे, क्योंकि अच्छा लग रहा है ये वाला। और इसका प्लाजो बहुत ही प्यारा है, ये मतलब पार्टी वेयर प्लाजो है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो इसका दुपट्टा है, जो दुपट्टा बहुत ही प्यारा है और बहुत ही लाइट वेट है, तो मैंने भी पहना नहीं, मैं सोच रही थी किसी फंक्शन में जाऊँगी तो पहनूँगी, बट जब वो जाना हो ही नहीं रहा, तो किसी फंक्शन में तो बहुत दूर की बात, मैं घर में भी नहीं पहन पा रही, फिर मैंने पहना था इसके बाद सिर्फ मेरे बर्थडे पर थोड़ी सी देर के लिए केक कट करने के लिए, उसके अलावा मैंने इसको पहना नहीं। और इधर को भी इस पर वर्क हो रहा है पूरा, ससुराल जाऊंगी तब भी मैं इसको पहन सकती हूँ, मैं इसको सर पे ओढ़ के ऐसे करके भी पहन सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी अच्छा लग सकता है, हालांकि मैं पहनूंगी नहीं इसको घर पे ऐसे। और उसके अलावा विंटर के थे, मैं दिखा देती हूँ अभी, क्योंकि विंटर का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको पैक करके रखना था, मैंने साड़ी के लिए लिया था, मैं दिसंबर में गई थी जब मेरी सिस्टर के फंक्शन में, तब मैंने खरीदा था ये, तो ये वाला है एक स्लीव्स पे ऐसे है ये, और ये एज ए ब्लाउज के जैसे मैं इसको पेयर करती हूँ, एज ए सर्दियों में मैं इसको कैसे पेयर करूँगी, ब्लैक स्कर्ट के साथ, क्रीम कलर की स्कर्ट के साथ ऐसे पेयर करूँगी, ये बहुत ही प्यारा लगता है, प्योर रेड कलर है इसका, और देख सकते हो कितना फिनिशिंग है, कितना काम हो रहा है इस पर। और उसके अलावा एक ये है, ये भी ऐसा ही है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा और भी है, जींस रखी है और एक दो टॉपर रखे हैं, तो वो मुझे मिल नहीं रहे अभी, कहाँ रख दिए मैंने मुझे पता नहीं है, तो ये मैंने जयपुर से परचेजिंग की थी, और जयपुर में जब जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, क्योंकि वहाँ पे चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कंपेरिजन यहाँ के बजाय, यहाँ पर मैं पता नहीं क्या है, या तो मॉल्स में जाऊँगी तो ही मुझे समझ में आएगा क्या लेना है, बोलो, या फिर उसके अलावा नहीं शॉप्स वगैरह पे नहीं पसंद आते मुझे ड्रेस, मॉल जाऊँगी तो साइज़ के अकॉर्डिंग कलर सब मिल जाते हैं, और एयरबीएनबी में तो बहुत अच्छी मिलते हैं, तो मुझे वहीं पे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे कौन सा मॉल है, फिनिक्स मॉल है, फिनिक्स मॉल में अच्छे कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे चेन्नई में है विजया फॉर्म है, स्काई वॉक है, बहुत सारे मॉल है, बट कपड़े हर जगह अच्छे मिलते हैं बजाय शॉप के, तो मुझे वहाँ पे पसंद है। तो चलिए ये तो मैं सारे जो मैंने सूट आपको दिखा दी, जो भी ड्रेसेस मैं लेके आई थी वो सब मैंने दिखा दी, और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो केक का जो वीडियो शूट है वो मैं कल वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी, बाकी ये वाला और केक वाला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसका प्रोसेस जो मैं करूंगी तो मैं कल घर पे बैठ के कुछ कर लेती हूँ, तो मेरा यही काम है बस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।